Dear students, assalamu alaikum. Welcome to the new lesson. In this lesson, we will talk about plant stress and its types. Firstly, we must know that what is stress. Stress is usually defined as an external factor that exerts a disadvantageous influence on the plant. Or stress could also be defined as significant deviation of the optimal condition of life. Types of stress. There are many factors that limit plant growth, development and productivity. Mainly these factors or stresses are of two distinct types, termed as biotic stress and abiotic stress. Firstly, we will talk about abiotic stress. Abiotic stress is defined as the negative impact of non-living factors on the living organisms in a specific environment. The non-living variable must influence the environment beyond its normal range of variation to adversely affect the population performance or individual physiology of the organism in a significant way. अच्छा ये बताया हुआ है कोई भी living organism है उसकी association होती है other living organisms के साथ और non-living जितना भी उसकी surrounding में environment है उसके साथ. अब स्ट्रेस का मतलब ये है कि जो नॉन लिविंग वेरिएबल्स हैं यानी कि जिनकी एसोसिएशन है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट है या एनिमल है, यहाँ पर्टिकुलरली हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बताऊँगी कि प्लांट के इर्द गिर्द जितने भी नॉन लिविंग वेरिएबल्स हैं वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि नॉर्मल रेंज से के बियॉन्ड उसको एडवर्सली इफेक्ट करती हैं. अब वो एडवर्स इफेक्ट जो है एज अ होल पॉपुलेशन की परफॉर्मेंस पर भी देखा जा सकता है या फिर इंडिविजुअल प्लांट की फिजियोलॉजी को भी के ऊपर भी देखा जा सकता है. सिग्निफिकेंट वे का मतलब ये है कि वो जो भी चेंज आ रही है या जो भी इफेक्ट आ रहा है नॉन लिविंग वेरिएबल्स की वजह से उसको प्रॉपरली मेजर किया जा सके. टाइप्स ऑफ एबायोटिक स्ट्रेसेस. There are several abiotic factors that lead to a series of morphological, physiological, biochemical and molecular changes that adversely affect plant growth and productivity. अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं एबायोटिक स्ट्रेस की. उनमें एक आपके पास आ जाता है वाटर, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ड्राउट स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस, लाइट स्ट्रेस, विंड स्ट्रेस, salinity stress and heavy metal stress. Firstly, we will talk about water stresses. There are two types of water stresses, that is drought and flooding. यानी कि आपके पास दो तरह से water जो है वो adversely affect कर सकता है, या तो उसकी कमी हो जाए या फिर उसकी amount जो है वो ज़्यादा हो जाए. तो ये दोनों सूरतें जो है वो plant के लिए stress create करती हैं. ड्राउट को हम डिस्कस कर लेते हैं. इन केस ऑफ ड्राउट देयर इज रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर वाइटल सेलुलर फंक्शंस, रिड्यूस्ड टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, स्टोमेटा क्लोजर, रिड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई एंड स्लोअर द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डिहाइड्रेशन. अब आपको पता है कि वाटर इज द वेरी बेसिक नीड ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पर पर्टिकुलरली हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बेसिक जो बायोकेमिकल प्रोसेस है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस में वाटर जो है वो वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है. इफ़ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल और इट इज़ प्रेजेंट इन इनसफिशेंट अमाउंट, दैट इट विल बैडली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो एज अ रिजल्ट फूड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स विल बी स्लो डाउन. फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग. इन केस ऑफ फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग द सॉइल बिकम सेचुरेटेड विद वाटर एंड दस द ऑक्सीजन कॉन्टेंट डिक्रीज्ड इन द सॉइल. दिस ऑल्सो लीड्स टू द डेफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो इन प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज. मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर डिस्टर्ब्ड बाई दिस ऑक्सीजन डेफिशेंसी. सेल लाइसिस एंड रप्चरिंग ऑफ सेल ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर. FR13A rice type has high level of flooding tolerance. अच्छा, फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग में
मतलब ये किस तरह से स्ट्रेस कॉज करता है ये बताया गया है कि अगर वाटर का कंटेंट जो है वो सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या नॉट ओनली इन सॉइल, या जो भी इन्वायरमेंट है प्लांट का उसके अंदर अगर वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो देयर दैट विल लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. अब इन्वायरमेंट के अंदर अगर डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की तो डेफिनेटली प्लांट अपटेक नहीं कर सकेगा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को. अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो वो बहुत बेसिक आपके पास एक प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, वो है रेस्पिरेशन, जो आपके पास ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है. अब आपके पास अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेशन बेसिकली इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. तो अब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एटीपी या एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा. अब एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस अगर स्लो होता है तो एज अ रिजल्ट जितने भी लिंक्ड प्रोसेसेस हैं या जितने भी एनर्जी से एसोसिएटेड प्रोसेसेस हैं वो भी स्लो डाउन हो जाएंगे. तो इस तरह से फ्लडिंग या वाटर लॉगिंग जो है वो स्ट्रेस क्रिएट करता है फॉर प्लांट. टेम्परेचर स्ट्रेस, टेम्परेचर कैन क्रिएट स्ट्रेस इन टू वेज. द वन वे इज हीट स्ट्रेस एंड अदर वे इज कोल्ड स्ट्रेस. टेम्परेचर मे बी वेरी हाई और टेम्परेचर मे बी वेरी लो. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस. द फर्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन, येलोइंग ऑफ प्लांट एंड लीव्स, क्लोरोफिल डेटरियोरेट्स, withered leaves, sunburns, reddish purple tint or freckles on leaves and pseudo bulbs, leaf tips and root may turn brown. Alteration of gene expression is the major cause of heat stress. Leathery leaves, damage on cellular level. In response to high temperature, all organisms including plants synthesize a set of protein called as heat shock protein, HPS. The induction of HPS at permissive temperatures have been associated with the acquisition of thermotolerance with to withstand the stress. अच्छा, जो हीट है वो किस तरह से इफेक्ट करती है? एक तो डिहाइड्रेशन कॉज करवा देती है. डिहाइड्रेशन किस तरह से कॉज करवाती है? इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब यह है कि वाटर एवेपोरेशन ज़्यादा होती है, या प्लांट के इट सेल्फ बात की जाए तो ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है. आप कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गई है प्लांट में. लीव्स जो हैं वो येलो हो जाते हैं, क्लोरोफिल जो है आपके पास उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है. इसी तरह से सन बर्न्स होते हैं या डिफरेंट तरह के स्पॉट्स होते हैं या फ्रेकल्स जो हैं वो लीव्स के ऊपर, बल्ब्स के ऊपर, रूट्स के ऊपर जो है वो अपीयर हो जाते हैं. एक और जो इम्पोर्टेंट इसका रिजल्ट है हीट स्ट्रेस का वो ये है कि जीन एक्सप्रेशन जो है वो ऑल्टर हो जाता है. जीन एक्सप्रेशन किस तरह से ऑल्टर होता है कि अब यहाँ पे ये एक प्रोटीन का जिक्र किया गया है, हीट शॉक प्रोटीन्स. हीट शॉक प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं ये उसी वक्त सिर्फ प्रोड्यूस होती हैं या सिंथेसाइज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो प्लांट्स के अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स उसी वक्त प्रोड्यूस होंगी जब एक्सटर्नली इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा. ऑल टाइम हीट शॉक प्रोटीन्स जो हैं ये प्रोड्यूस नहीं होती, ये सिर्फ हाई टेम्परेचर के रिस्पांस में प्रोड्यूस होती हैं. तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली ये इनका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा था, लेकिन टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो इनका एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है. इनका एक्सप्रेशन किस तरह ज़्यादा होने की क्या वजह होती है? क्योंकि प्लांट्स ने जो है वो टॉलरेंस अपने अंदर डेवलप करनी होती है अगेंस्ट हीट स्ट्रेस. Effects of cold stress. Cold stress decreases membrane fluidity. It alters the lipid composition of membrane. Freezing causes ice to form in plant cell wall and intercellular spaces. Metabolism retarded. Delayed energy dissipation leading to the radical formation and oxidative stress. Chilling causes protoplast volume shrinkage upon extracellular ice formation. Low temperature limitations have been overcome by the identification of cold tolerant genes for applications in genetically transformed crops.
अच्छा, हीट शॉक प्रोटीन्स जो हैं आपके पास, वो तो नॉर्मली भी उनके लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की या जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि लो टेम्परेचर के अगेंस्ट जो भी जीन्स एक्सप्रेस होते हैं तो उनके लिए आपको प्लांट में जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है या प्लांट्स की जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती है। बहुत सारे इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं, यानी कि एक है प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो जाता है, इसी तरह से एक और बताया हुआ है कि लिपिड की कंपोजिशन चेंज हो जाती है, जो मेम्ब्रेन के लिपिड होते हैं उनकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो इफ़ेक्ट होती है कोल्ड स्ट्रेस की वजह से। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं ये स्ट्रेस कॉज करते हैं प्लांट के लिए। Here this lesson is ended. In the coming lessons, we will discuss the remaining content of this course. Thank you.